ये हमारा यहाँ पर आ रहा है LPC क्लॉक KVC, ठीक है ना। इसको अगर आप DSO से चेक करोगे तो ये IO चिप का पिन नंबर 2 है, पिन नंबर 2 पे चेक करोगे। सभी IO चिप में डिफरेंट डिफरेंट पिन नंबर होगा, वो देख करके आपको इस वर्ड पे ध्यान रखना है, LPC क्लॉक KVC, या फिर क्या लिखा रहेगा, PCI क्लॉक, है ना। ये क्लॉक आता कहाँ से है, आपका PCH देगा या SOC देगा। अगर आपका SOC है तो SOC से आएगा, क्योंकि PCH SOC के अंदर है, या फिर PCS से आएगा। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि किस बोर्ड में आएगा किस में नहीं आएगा, सभी में आएगा, समझ गए ना। सभी में इसका सेम कॉन्सेप्ट है। तो पिन नंबर 2 है आयो चिप का, ये हमने देख लिया। तो आयो चिप को हम यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं, ये आयो चिप आ रहा है। तो आयो चिप के लिए पहले एक बार हम अपना DSO को भी रीअरेंज कर ले रहे हैं। DSO मेरा चैनल 1 ठीक है, एक बार इसका सेल्फ टेस्ट ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। ऑटो कर लेते हैं, ठीक है ना। मेरा 1 वोल्ट पे आ गया है, ऑटोमेटिक सब कुछ ले लिया है, परफेक्ट लाइन। लाइन मोटी है तो पतला करना आपको पता है, कैसे पतला करोगे इस लाइन को, कैसे करोगे। अगर इसको आपको पतला करना है तो सीधा सीधा आप एक्वायर में जाओगे और ये हाई रिजोल्यूशन ले लोगे, ये लाइन आपको पतली हो जाएगी, ठीक है। तो आयो चिप का हमें क्या करना है, पिन नंबर 2 पे जाना है। तो पिन नंबर 2 जो है मेरा, ये रहा होगा पिन नंबर 2, तो मेरे लिए चेक पॉइंट बनता है इसका पिन नंबर 2 के लिए। आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है, तो मैं इसमें डायरेक्ट इस पे, ये वाला यही है ना पिन नंबर 2। देखो मेरे को पिन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इसी पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, DSO का ग्राउंड दे देना है पहले। तो DSO का ग्राउंड दे देता हूँ मैं एक, तो ये मैंने DSO का ग्राउंड दिया और पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 2 का पॉइंट ये रहा, ये टेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो और बोर्ड को जब आप ऑन करोगे, देखते हैं हम, बोर्ड को मैंने ऑन किया और एक बार यहाँ पर ऑटो प्रेस करूँगा। अब आप देखो यहाँ पर DSO पे आपको पल्स नज़र आ रहा है ना। ये आपका क्या हो गया, LPC, ये आपका LPC। अब कितना आ रहा है LPC, आइडिया लग रहा है LPC कितना आ रहा है, आइडिया लग रहा है कहीं। तो एक बार पैरामीटर्स में जाके देख लो आपका LPC क्लॉक, ध्यान रखना है क्या है मेरा, LPC क्लॉक। अब ये आपको ना कंटिन्यू टेस्ट करते रहना चाहिए, इससे क्या होगा कि इसकी जो वेव बन रही है अभी, वो कैसी वेव बन रही है ना, वो आपके माइंड में छप जाएगा। तो कभी अगर ये वेव मान लीजिए गलत नज़र आ रही है ना, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये वेव गलत आ रहा है। भले हो सकता है ये जितना मेगाहर्ट्ज़ का है उतना बन रहा है, मान लीजिए 24 मेगाहर्ट्ज़ का है तो 24 मेगाहर्ट्ज़ बन रहा है, लेकिन ये वेव गलत आ रहा है, तो वेव गलत आने की वजह से भी आपका नो डिस्प्ले केस हो सकता है। इसीलिए इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाना चाहिए, आपको रेगुलर इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब ये कितना मेगाहर्ट्ज़ का है, तो इसके लिए पैरामीटर्स में जाना है। तो पैरामीटर्स में हम कैसे जाते हैं, तो हम DSO में गए, मेजर ऑप्शन में जाएंगे ना। जी सर, मेजर ऑप्शन में जाके एक बार पैरामीटर्स में हम गए, तो जरा यहाँ पर देखो आपको कोई पॉइंट मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, ये अगर आप देखोगे ना यहाँ पर 19 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। अब 19 कैसे मिल रहा है, अब आप बोलो 19 कैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर पूरा सिस्टम ही 19 मेगाहर्ट्ज़ के लिए है, जो हमारा जो क्रिस्टल लगा वो भी 19 मेगाहर्ट्ज़ का मिला है। तो यहाँ पर ये आपको 19 मेगाहर्ट्ज़ है, तो है ना 19 के समथिंग आपको दिखा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी अदर बोर्ड पे दिखाऊंगा वहाँ पर 33 भी मिलेगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का होगा तो 33 भी मिलेगा, है ना। फोर्थ फिफ्थ जनरेशन होता है तो 24 भी मिलता है। तो ये प्रोसेसर पर डिपेंड करता है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये चेंज होता रहता है। तो कन्फर्म हो गया हमारा ये अप्रॉक्स ये 19 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी है। अब इसको हम यहाँ पर एक बार पैरामीटर्स को ऑफ करते हैं। अब ये जो हमारा देखा, ये अगर आना बंद हो गया, मैंने यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को लेकर के आपसे बात करी कि ये जो LPC क्लॉक है ये मेरा नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको ट्रेस करोगे कि क्यों नहीं आ रहा है।
तो हमेशा इसकी लाइन में क्या मिलता है, एक रजिस्टर मिलता है, कभी 0 ओम का होता है, कभी 22 ओम का होता है, कभी 33 ओम का होता है, तो वो रजिस्टर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान के चलिए बिल्कुल नहीं आ रहा, मतलब आपके प्रोसेसर से, प्रोसेसर में जो PCH है उससे ये आउट ही नहीं हो रहा है, ये LPC क्लॉक आउट ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा वाला जो पॉइंट है वो अवेलेबल है कि नहीं। और अगर वो पॉइंट अवेलेबल है तो मेरा उस पर यही वेब मिल रहा है, तो हम वहाँ पे जंपर करके अपना काम निकाल सकते हैं, है ना, मतलब इसको बाईपास किया जा सकता है। तो उसके लिए आप आओगे कि वो पॉइंट्स आपको कहाँ नज़र आता है, तो पहले हम स्केमेटिक्स में इस पॉइंट्स को सर्च आउट कर लेते हैं कि LPC क्लॉक हमारा ये रहा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, ये LPC क्लॉक KVC को मैंने लिया, कॉपी किया, पेस्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये 0 ओम का रजिस्टर है, R3 बॉल से आ रहा है, और ठीक इसके ऊपर ही लिखा है ना LPC क्लॉक CPU, ये P0 P1। अब ये जो जा रहा है डिबगिंग के लिए जाएगा, डिबग कनेक्टर पे जाएगा। वास्तव में क्या है, डिबग कनेक्टर का कोई यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मुझे अगर मिलता है, अगर मुझे यहाँ पर मिलता है सेम फ्रिक्वेंसी का क्लॉक, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जंपर कर सकता हूँ, इसको मैं जंपर ले सकता हूँ। तो मेरे को ये पॉइंट ढूंढना है, तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए R1803 को सर्च करो, है ना, R1803 ये कहाँ है बोर्ड पे, तो उसके लिए आपको बोर्ड व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो बोर्ड व्यू भी लेता हूँ मैं, अच्छा इस पे यहीं पे लिखना पड़ेगा, क्या था, R1803 कहाँ सर्च आउट हुआ, ये यहाँ जाके सर्च आउट हुआ है प्रोसेसर के पास, ये पॉइंट आपको प्रोसेसर के पास है, इस तरह करके दिया हुआ है, तो प्रोसेसर के पास जाना पड़ेगा। पहले मैं देख लेता हूँ डायरेक्शन कौन सा है, ये मेरा डिम स्लॉट है, मतलब टॉप पे लगा हुआ है प्रोसेसर के पास। अब मैं यहाँ पर कैमरा में थोड़ा देखूँगा इसकी पोजीशन, मुझे एक लाइन से इस तरह करके रजिस्टर है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन है। अब इसको मैं देखता हूँ कैमरे में, ये रजिस्टर होगा नहीं वास्तव में, कैमरे में अगर मैं लाऊं तो R1803 आपको नजर भी आ गया होगा, देखो जी सर, ये R1803 नजर भी आ गया। अब ये किसके बारे में है, 1 2 3 4, ये कौन सा है जो कि नहीं है, शायद इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक है आई थिंक, एक बार देख लेते हैं इस पॉइंट्स पे, ये R1803 तो लिखा है, क्या पता मेरे को यहाँ पे मिल रहा हो, है ना, तो मैं एक बार सर्च आउट कर लेता हूँ कि इनमें से कहीं पे मेरे को क्लॉक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये मेरा जो रजिस्टर है वो वाला रजिस्टर है R1802, तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंसी मिल रही है। अब दूसरा जो पॉइंट है शायद इन दोनों में से कोई एक होगा, यहाँ पर देखो मिल रहा है ना, देखो यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है, और इस साइड नहीं मिल रहा, ये इस साइड नहीं मिल रहा, मतलब ये जंपर जो है ना इस साइड भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर मान के चलो कि इनमें से कोई ये वाला रजिस्टर यहाँ से अंदर प्रोसेसर के अंदर से क्लॉक आना बंद हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, इस रजिस्टर को हटा लो, है ना, लगे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को आपको उसके साथ जंपर करना है, ठीक है ना, बात क्लियर है, क्योंकि एक बोर्ड का ट्रिक नहीं है, ये सभी बोर्ड का ट्रिक है, सभी बोर्ड में आपको ध्यान, हाँ जिसमें कि ये सेकेंडरी LPC क्लॉक वाला जो ऑप्शन है नहीं मिल रहा आपको, जैसे डिबग का, डिबगिंग के लिए दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर तो मुझे प्रोसेसर पर डाउट करना पड़ेगा। अब प्रोसेसर पर डाउट करने से पहले आप क्या कन्फर्मेशन लोगे कि मेरा जो क्रिस्टल है इसके साथ लगा हुआ वो ओके है कि नहीं है, उस पे क्लॉक सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ सही आ रहा है तब तो पूरा डाउट गया प्रोसेसर पे, प्रोसेसर पे गया तो थोड़ा वो तड़का लगा के देख लो, है ना, थोड़ा वो तड़का लगा के देख लो कि क्या पता बात बन जाए, नहीं तो फिर आपको चेंज करना। अभी हमें क्या करना है कि ये जो आउटपुट होगा इसके लिए सबसे पहले इनपुट रिक्वायरमेंट्स हमें देखनी पड़ेगी, वो क्या हो जाता है मेरा
क्रिस्टल। तो क्रिस्टल जो है मेरा यहाँ पर, एक बार मैं देख लेता हूँ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल अगर आप देखोगे कितने का है, 19.200 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक में क्रिस्टल है, ठीक है ना। आप इसको चेक कर लो कि ये यहाँ पर सही सही फ्रीक्वेंसी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसको भी चेक करने का सेम प्रोसेस है ना। चलो ऑटो प्रेस करो, यहाँ पे बना है जी सर, ऑटो प्रेस किया। ये ध्यान रखना प्रोब को मैंने 10x पे ले लिया है। अभी फ्रीक्वेंसी बन रही है, एक इस साइड देख लो कैसा बन रहा है ना, और उसके अपोजिट साइड आपको इससे छोटा या बड़ा एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए, है ना। तो इस साइड हमने देखा, और दूसरा मैं देखूंगा इसको, इस साइड तो परफेक्ट दिख रहा है मेरे को, है ना। तो ये साइड के साथ अगर मैं देखूं तो यहीं पर ये कैपेसिटर भी है, है ना। ये कैपेसिटर का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, हाँ ये देखो, एक तो ये लेग हो गया, और दूसरा लेग पक्का आपका ये है। इसको थोड़ा सा खुर्चा, थोड़ा सा ऑटो प्रेस करिए, हाँ देखो जी सर, ये छोटा बन रहा है, ये एम्पलीट्यूड आपको छोटा आ रहा है, एक साइड छोटा आ रहा है, एक साइड बड़ा आ रहा है, समझ रहे, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा। तो इसका मतलब क्या, हाँ मेरे क्रिस्टल जो है वर्किंग है, काम कर रहा है। अब ये 19 मेगाहर्ट्ज का है, हमारा स्क्रीन पे बता रहा है 19.200 मेगाहर्ट्ज का है। अब आप ये देख लो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए फिर से मैं अपने पॉइंट पे आ जाऊंगा, है ना। मेरे लिए पॉइंट यहाँ पे बन चुका है, ये रहा, है ना। इस पे चेक कर लूंगा डायरेक्ट, मेरे को क्रिस्टल पे चेक करने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से ऑन करता हूँ, अब बन गया। ऑटो करिए, ऑटो करिए। अब आप पैरामीटर्स में जाइए, मीजर में जाइए, ऑप्शन मीजर में, पैरामीटर्स F3। अब यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 19 मेगा समथिंग दिखा रहा है, दिखा रहा है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, ठीक है, ये मेरा ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने LPC क्लॉक और क्रिस्टल को चेक कर सकते हो, ठीक है ना।